स्थिति में ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करना अब वाहन चालकों को महंगा पड़ेगा। खास तौर पर वो वाहन चालक सजग हो जाए जो जल्दबाजी के चक्कर में लाल बत्ती को क्रॉस कर जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा करनाल में कई स्थानों पर विशेष नाके लगाकर ऐसे लोगों के चालान काटे गए जो कि नियमों की उल्लंघना करके वाहन चला रहे थे। वाहन चालकों के ट्रैफिक पुलिस के सामने ना तो गुजारिश चली और ना ही सिफारिश। कई वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस के आगे विनती करते हुए नजर आए तो कुछ फोन पर सिफारिश कराते हुए भी नजर आए, लेकिन पुलिस के आगे कुछ नहीं चला और उल्लंघना करने वालों के हाथों में चालान थमा दिए। करनाल में 38 पुलिस कर्मचारियों को, जिनमें की महिला कर्मी भी शामिल हैं, जिन्हें 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत उन्हें बताया गया कि किस तरह से लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना है। इन सबका नेतृत्व सिटी ट्रैफिक इंचार्ज रमेश डागी कर रहे थे। कैसे लाल बत्ती पर रुकना है, पीली बत्ती पर वाहन को चालू करना है और हरी बत्ती होते ही अपने गंतव्य की ओर चलना है, ये सब बातें इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान उन्हें सिखाई गई। इसके अलावा वाहनों के कागज चेक करना तथा अन्य नियमों के प्रति भी जनता को जागरूक किया गया। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं करनाल के मटका चौक पर। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस बल मौजूद है। मैं आपको बता दूं यह सिर्फ लोगों को ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने पूरा नाका लगा रखा। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ महिला पुलिसकर्मी भी तैनात हैं जो कि लड़कियों को, खासकर महिलाओं को रोक रही हैं जो कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन न करें। उनका चालान भी काटा जा रहा है। ट्रेनिंग है मेरे हिसाब से। मैम, आप यहाँ पर ट्रेनिंग के तौर पर आए हैं? हाँ जी सर। कितने दिन की ट्रेनिंग है आप यहाँ पर? सर 2 दिन की। आज दूसरा दिन है आपका? हाँ पहला जी सर। तो मैम, अब आपको क्या सीखने को मिला? सर, हम जो ट्रैफिक सिग्नल है, जैसे कोई मास्क नहीं लगा रहा, मास्क का चालान कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो कोई हेलमेट नहीं लगा रहा सर, हेलमेट का चालान है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है किसी के पास, उनके पास कोई सिग्नल्स वगैरह तोड़ता है, उन सभी चीज़ों का चालान करते हैं सर। तो मैम, अब इसके बाद आपको 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद अब आपको कहाँ जाना है? अब सर मधुबन जाना है। 2 दिन की ट्रेनिंग थी आपकी, वो आज कम्प्लीट होगी। इससे आपको सीखने को क्या कुछ मिला? सर बहुत सारा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप जनताओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई हेलमेट लगा के चलो, जिससे कि जिंदगियां बच सकती हैं और ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है, मास्क लगाने से इसको भी रोका जा सकता है। बस ये थे हमारे से ट्रेनिंग जो कि आए हुए हैं 2 दिन की ट्रेनिंग पर। आज इनका दूसरा दिन है। इनका ये भी कहना है किस तरह से इनको अवगत करवाया गया, कौन कौन से नियमों की पालना जनता से करवानी है, जनता को जागरूक करना है और जो नियमों की अवहेलना करता है उनका चालान भी किया जाएगा, चालान कर भी रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों से बहुत कुछ सीखा है, अपने जीवन में वो नियमों की पालना करेंगे, साथ में दूसरों को भी जागरूक करेंगे कि वो नियमों की पालना करें। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सड़क पर थोड़ी सी भी नादानी कि आपके और किसी अन्य के जीवन को भी खतरे में डाल सकती है, इसलिए कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.